भारत जैसे देश में महिला डॉक्टर कम ही शल चिकित्सक होती हैं। यहाँ तक हम इंदौर की बात करें, इसकी आबादी 40 लाख है। यहाँ इकलौती महिला शिशु शल्य चिकित्सक डॉक्टर पूजा तिवारी हैं, जो कि मेरे समीप बैठी हैं। मैं ग्लोबल टीवी की ओर से उन्हें नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर साहब की शान में एक बात कहना चाहूँगा, बीते दिनों राष्ट्रपति ने उन्हें उनकी विधा में पारंगतता हासिल करने के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया। डॉक्टर तिवारी, आपको बहुत स्वागत है। आप बताएं कि जब बच्चा पेट में होता है और उसमें कुछ रोग पल रहे होते हैं, तो उसमें दो स्थितियां होती हैं, एक तो उसे नष्ट कराना, क्या इस बात की संभावना बनती है कि इलाज कराया जा सकता है उस दौरान? जी, एक्चुअली जब बच्चा पेट में होता है तो पहले के 3 महीने में की सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है, मतलब 20 हफ्ते के पहले की सोनोग्राफी बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि उस समय के सोनोग्राफी में ऐसी विकृति मिलती है जिसमें बच्चे का आगे जन्म होने में प्रॉब्लम हो सकता है, या जन्म के बाद पूरी अपंगता हो सकती है, या जन्म होते ही मृत्यु की संभावना रह सकती है, तो ऐसी स्थिति में बच्चों का गिरा देना ही बेहतर उपाय होता है। तो और ऐसी विकृतियां भी होती हैं जिसमें बच्चे को जल्द से जल्द ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है जन्म के तुरंत बाद, जैसे कि पेट की आंतड़ी ना बनना, बच्चे के संदास का रास्ता नहीं बनना, आहार नली पूरी नहीं बनना, आहार नली और ये अपनी सांस नली का जुड़ा हुआ होना, जैसे पेट का जो अपना छाती में पर्दा होता है, सांस नली का पर्दा होता है, वो पर्दा भी कुछ बच्चों में डेवलप नहीं होता है, जिससे कंजेनाइटल डायफ्रेमेटिक हर्निया होता है। तो ऐसी बीमारियां जो हैं, ठीक है, तो उनका इलाज जन्म के तुरंत बाद आवश्यक होता है। तो वो बीमारियां कई हद तक के आज के ज़माने की सोनोग्राफी भी बहुत अच्छी हो गई है, जिससे ये जल्द से जल्द बीमारी पता चल सकती है। तो 3 माह में बीमारी का पता चल जाए, उस जब गर्भावस्था में हो, तो इलाज संभव? ऐसी कुछ कुछ बीमारियां होती हैं जिनका इलाज कुछ जगहों पे होता है, फीटल सर्जरी जिसको बोलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में नहीं होती हैं वो, लेकिन कुछ कुछ इंडिकेशंस ऐसे बनते हैं जिसमें करना ज़रूरी होता है। जैसे बच्चे के माँ के पेट में पानी बहुत कम हो, वो ज़्यादातर के किडनी की समस्या में होता है, ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है वो पेशाब के रास्ते में पर्दे होने की बीमारी होती है, जिससे किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो कुछ कुछ जगहों पे वो बीमारी का इलाज दूरबीन से पेट में माँ के पेट में ही रहते भी किया जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर बीमारियों का इलाज जन्म के तुरंत बाद या फिर जन्म के समय, जिसको एग्जिट सर्जरी भी बोलते हैं, जन्म हो रहा होता है बच्चे का, उसी समय ऑपरेशन का भी प्रावधान किया जाए। ऐसे भी कुछ बीमारियां होती हैं, जैसे जो गर्दन में बड़ा मांस है, तो वो जन्म के दौरान बच्चा सांस नहीं ले पाए तो जन्म होते ही टाइम सर्जन का होना ज़रूरी होता है ना, तो ऐसी भी बीमारियां होती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि बच्चे के पेट में होते हुए माँ के सोनोग्राफी में कोई विकृति आई तो वो सोनोग्राफी के साथ एक बार पीडियाट्रिक सर्जन के पास भी बच्चे को माँ पिता को आना चाहिए, जिससे उसकी सही ढंग से काउंसलिंग हो पाए। कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जिसका इलाज हो सकता है, कुछ ऐसी हैं जिसका इलाज पूरी तरह से संभव नहीं भी है, ठीक है, तो वो चीज़ पहले से समझना ज़रूरी है जिससे बच्चे के माता पिता तैयार रहें आगे के लिए। जी, बच्चों में कब्जियत या जो उदर रोग होता है उसकी समस्याएं भी पाई जाती हैं, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है? देखो, बच्चों की कब्जियत के बहुत से कारण हो सकते हैं, और उसमें कुछ कारण ऑपरेशन से रिलेटेड भी होते हैं, मतलब जो बच्चों की आंतड़ी का डेवलपमेंट पूरा नहीं हो, कुछ नसें ख़राब हो, ऐसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें ऑपरेशन की आवश्यकता भी होती है, तो वो भी सही समय पर पहुँचना ज़रूरी है। नहीं तो ऑपरेशन यदि बच्चे सही समय पर पहुँचते हैं तो हो सकता है एक ही चरण में ऑपरेशन हो जाए उसका, और बहुत लेट पहुँचते हैं तो अपने को 3 बार में भी ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो ये ज़रूरी है कि कब्जियत के लिए भी एक बार बच्चे के ऑपरेशन के डॉक्टर को दिखाना आवश्यक होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऐसे ही कब्जियत के लिए इलाज करा के घूमते भटकते रहते हैं, महीनों तक सालों तक भटकते रहते हैं,
तो ज़रूरी है कि बीमारी है कि नहीं, सही समय पे पकड़ में आना चाहिए। जी डॉक्टर पूजा तिवारी साहब, ये बताइए कि कई बच्चों के अंडकोश जो हैं वो बाह्य रूप से ज़्यादा होते हैं, तो क्या उनका उनका सर्जरी ज़रूरी है या समय वाहिता का ध्यान रख के उसका इंतज़ार करना चाहिए कि स्वतः ठीक हो जाएंगे? जो अंडकोश ऊपर होने की बीमारी है वो ज़्यादातर के जो बच्चे कम वज़न के कम समय में हो जाते हैं उनमें बहुत कॉमन है। तो ज़्यादातर जो है ये अंडकोश ऊपर होने का ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने इंतज़ार किया जाता है। 6 महीने के अंदर यदि वो सही जगह पे नहीं आ जाते हैं तो उसका ऑपरेशन करना आवश्यक है, और 6 महीने से 1 साल के बीच में उसका ऑपरेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद होए तो अंडकोश में चेंजेस आने लग जाते हैं, मतलब वो ख़राब होना शुरू हो जाती है और उसमें कैंसर की शंकता भी बढ़ जाती है। जी, कई बच्चों के और खासकर आज तो के इसमें दूरबीन का भी ऑपरेशन होने लग गया है अंडकोश के लिए। जो अंडकोश बाहर नहीं होते हैं, अंदर पेट में होते हैं, उसके लिए दूरबीन से सर्जरी की जाती है। कई कई बच्चों खासकर के शिशुओं के पेट में दर्द होता है और वो कराते रहते हैं, और यदि आप उन्हें पेन किलर नहीं दे रहे हैं तो वो रोते ही रहते हैं, तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए यदि लंबे समय तक दर्द है तो? देखिए, वही बच्चों के पेट का दर्द का कारण भी बहुत अनेक है ना। अब कई बार बहुत ज़्यादा तीव्र पेन होता है जिसमें एक बीमारी होती है आँत में आँत घुस जाना, ठीक है। वो बीमारी यदि मिस हो गई तो बच्चे की आंतड़ी खराब हो सकती है, सड़ सकती है, तो अपने को बहुत बड़ी आंतड़ी निकालनी भी पड़ सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में इसलिए पेट का दर्द का जो भी मरीज है वो भी सही समय पे बीमारी पकड़ में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और लंबे समय से तक के पेट में दर्द के कारण भी बहुत होते हैं, ठीक है। बच्चों में ज़्यादातर के छोटी गठाने मिल जाती हैं, ठीक है, जिसके कारण इन्फेक्शन के कारण गठाने समझ के इलाज चलता रहता है, लेकिन कई बार अंदर कुछ विकृति भी रहती है जो कि मिस हो जाती है, तो फिर वो ऑपरेशन वाली विकृति भी सही समय पे ज़रूर पता चलना चाहिए। तो वो भी मतलब सर्जन को भी दिखाना आवश्यक होती हैं ये बीमारियाँ। जी, बिना चीरफाड़ जो दूरबीन से सर्जरी की जाती है वो कितनी उचित है और कितनी कारगर साबित होती है? ठीक है, अभी ये आज के समय में ज़्यादातर सब लोग कॉस्मेसिस पे तो बहुत ध्यान देते ही हैं, तो अभी बच्चों में दूरबीन की सर्जरियाँ बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आज के ज़माने में हर्निया भी बच्चों का दूरबीन से किया जाने लगा है और वो काफ़ी हद तक के सफल है। ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसमें ऑपरेशन में समय ज़्यादा लग रहा हो, उतने ही समय में और कम निशानी में ऑपरेशन संभव है। इसके अलावा फ़ायदे ज़्यादा होते हैं उसमें कि आप एक बार दूरबीन डाल रहे हैं तो पेट की सभी चीज़ें आपको दिख जाती हैं ना। दूसरी बात, छाती का भी, जो छाती के पर्दे का ऑपरेशन है वो भी दूरबीन से किया जा सकता है। जो कॉमन बीमारी है निमोनिया के बाद छाती में पस जमा हो जाता है वो भी दूरबीन से सफाई हो जाता है। तो दूरबीन के बाद क्या, बच्चों का पेन कम समय तक रहता है, तो जो बीमारी ज़्यादा समय तक के परेशान कर सकती है वो थोड़े कम समय में अपन उसको रिकवरी फास्ट कर सकते हैं। जी, गुर्दा एवं जननांग समस्या क्या है? बच्चों में बहुत सी गुर्दे और जननांग की समस्याएं होती हैं, जैसे पेशाब में के रास्ते में पर्दा होने की बीमारी, पेशाब का रास्ता सही जगह पे ना होना, नीचे की तरफ होना, या फिर अपने जो पेशाब की थैली है वो ऊपर खुली हुई होना, है ना। और किडनी के रोग होना, किडनी में सूजन होना जन्म से रुकावट के कारण होना, तो वो सब बीमारियों का आज के ज़माने में किडनी की बहुत सी बीमारियां तो जन्म के पहले ही समझ में आ जाती हैं, तो जिसमें आपको पता है कि आगे चल के इसमें ऑपरेशन लग सकता है तो उसका आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं। आगे फॉलोअप उसका जल्दी हो सकता है, तपास आप ऑपरेशन इसके जन्म के तुरंत बाद से शुरू कर सकते हैं और टाइमिंग कर सकते हैं कि इसका ऑपरेशन अभी हो जाना चाहिए। तो किडनी की रुकावट हुई, अपने पर्दे वाली बीमारी, जो जितनी जल्दी पता होए उतनी जल्दी उसका इलाज ज़रूरी है, नहीं तो वो किडनी को डैमेज करती रहती है, फिर एक बार किडनी डैमेज हुई तो दोबारा ठीक नहीं होती है। डॉक्टर पूजा तिवारी जी, आप बताइए कि आप किस तरह के किस शल्य चिकित्साएं कर चुके हैं जो उल्लेखनीय है? इंदौर में आने के बाद से मैंने अभी बड़े ऑपरेशनों में किडनी का ट्यूमर किया है, जननांग के ऑपरेशन किए हैं, और नवजात
शिशुओं के ऑपरेशन किए हैं, जिनसे आहार नली ना बनने का, पेट में आतड़ी ना बनने का, पेट आतड़ी सड़ जाने का, संदास का रास्ता ना होने के ऑपरेशन, ये ऑपरेशन बड़ों में किए हैं। बाकी छोटे कई ऑपरेशन किए हैं जिन, और सभी प्रकार के अस्पतालों में जाना है मेरा जैसे, तो मतलब चूंकि आप फ्रीलांसर हैं, लेकिन आप, आपकी कोई सेवा लेना चाहे तो आप, आपको कहाँ पर जो है संपर्क किया जा सकता है? वैसे तो हर अस्पताल पे हमारा आना जाना है, बट हमारा निवास पे ही क्लिनिक है। कहाँ है आपका निवास? निवास हमारा 20B साईनाथ कॉलोनी तिलक नगर में है, तो वहाँ पे हमारे घर में ही क्लिनिक है। बाकी इंदौर के सभी बड़े छोटे अस्पतालों में जाना है। जी डॉक्टर पूजा तिवारी जी, आप यहाँ आए हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि 40 लाख की आबादी वाले शहर में हर बच्चा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, लेकिन यदि उसे किसी कारणवश उन रोगों का सामना करना पड़ता है जिस विधा की आप जानकार हैं, तो आपसे लाभ लें और वो अपनी ज़िंदगी जिए। आप यहाँ आए, पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद।